घूमता हुआ आईना में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करें महाराष्ट्र की तो ये प्रदेश इन दिनों एक मौन क्रांति का अनुभव कर रहा है। अहमदनगर के कोपरडी में एक मराठा लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार के आरोपी 3 दलित युवकों को सजा दिलाने के लिए मांग उठी और धीरे धीरे इसने मराठा आंदोलन का रूप धर लिया। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में लाखों की संख्या में लोग एकत्र होते गए, काले वस्त्र पहने, हाथ में केसरिया झंडे थामे रैली निकालते रहे और अपना मांग पत्र कलेक्टर को सौंपते रहे। इन रैलियों में कोई भाषण नहीं देता, चिल्लाता नहीं, नारे नहीं लगाता। मराठा समुदाय मूक आंदोलन कर अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाह रहा है। उनकी मांगें हैं बलात्कारियों को कड़ी सजा, SC ST एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन और उसके दुरुपयोग पर रोक और मराठाओं को आरक्षण। राजनीतिक दल पहले इस मूक आंदोलन की ताकत तौल नहीं पाए, लेकिन जैसे जैसे इसका दायरा बढ़ रहा है सत्ता की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। विपक्ष भी हैरान है कि किस तरह इस आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाए। आंदोलन बेशक मराठाओं का है, लेकिन इसमें दलित वोट बैंक छिटकने का डर राजनीतिक दलों के सामने है। ऐसे में शलभ श्रीराम सिंह की पंक्तियाँ याद आती हैं, इनकलाब चाहिए नफस नफस कदम कदम बस एक फिक्र दम बदम, घिरे हैं हम सवालों से हमें जवाब चाहिए, जवाब दर सवाल के हैं, इनकलाब चाहिए के इनकलाब चाहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।